हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं एक ऑफिशियल ट्रेलर और ये इसका टाइटल है चिंटू का बर्थडे। और ये कह रहा है प्रीमियर्स 5 जून ऑन Z5। जी टीवी तो सुना था, अब ये Z5 क्या है? इतने नए नए चैनल आ गए हैं कि मुझे पता ही नहीं इन चैनलों के बारे में। तो बताना ये Z5 क्या है। ये कोई जी का ही कोई पार्ट लग रहा है मुझे तो, पर जरूर अगर बताना कि ये क्या टीवी का कोई चैनल है कि ये Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स की तरह कुछ है। तो देखते हैं ये ऑफिशियल ट्रेलर और पता करते हैं ये स्टोरी कैसी है। और मेरे ख्याल से तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मूवी है, पर पता चल देखते हैं ट्रेलर से पता चलेगा मूवी है कि सीरियल है क्या है। तो यस फ्रेंड्स, ट्रेलर देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये ट्रेलर। कितना लाएंगे चिंटू के पापा? कितना लाएंगे पापा? आप सुने नहीं कर सकते है ना? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए 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 चलिए, चिंटू बाबू का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बिजली नहीं जानी चाहिए। अरे नहीं जाएगा बिजली, निश्चिंत रहिए, थोड़ा मुस्कुराइए। पापा एक महीना से बोल रहे हैं कि इस बार जबरदस्त बर्थडे बनेगा। टोटल कितना दोस्त आएगा शाम को? 25। अरे हम तो 50 का बोले थे, पिछले साल का भी हिसाब बराबर कर लेते। अब याद आए है नानी का पैर छुना है। पापा याद दिलाए नानी। कोई के बछुआ टिकुलिया गए दुगो जामुन खिराओ। कोयली के बछुआ टिकुलिया दुगो जामुन। Open up! It took you so long, buddy. Double check the room. I can explain. Get the fuck down! Is he part of your family? See, there is a mistake. Say one more motherfucking word, and I'll blow your goddamn head off. We come for Chintu's birthday party. Best friend, girlfriend. She go to school. You destroyed this morning. Welcome to Bumfuck Iraq. My name is Madan Tiwari, sir. We are Indian. You son of a bitch. Where's your whole fucking family working for these insurgents? Oh! Happy birthday, Chintu. My Chintu is crying on his happy birthday. It is wrong. इसको कहते चलाएंगे। अब जो बिगड़ना है बिगड़ जाए, चिंटू का बर्थडे तो हम लोग मना करें। तो फ्रेंड्स, बड़ी मैं बोलूंगी डिफरेंट स्टोरी थी। कहां से शुरू हुई कहां पहुंच गई पता ही नहीं चला। और जब उन्होंने मतलब इतना अच्छा दिखा रहे थे, खुशी का माहौल, मैं उसमें खुश होके बैठी भी तो एकदम से गन की वगैरह आवाज आई, मैं तो घबरा ही गई, मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया, मुझे लगा इंडिया के अंदर स्टोरी बनी है। उसके बाद जब वो बाहर से आए दिखा रहे हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं सारे, मैंने कहा ये यूएसए में है, पर ये यूएसए तो लग ही नहीं रहा। बाहर का जब दरवाजा खोला है, ये अलग जगह तो ऐसी लग रही है जैसे टूटी फूटी टाइप की। तो ये कहाँ? तो उसके बाद में समझ में आया जब उन्होंने डायलॉग्स बोले कि ये इराक में रह रहे हैं इंडियंस और उस वहां पे इन्होंने वो ये स्टोरी बनाई हुई है। पर भाई वो बच्चा जो था चिंटू, बड़ा क्यूट था, बहुत ही क्यूट बच्चा लिया हुआ है। और जो फादर बने हुए हैं वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, इनके काफी मैंने देखी हुई है, मूवीज में आए हुए हैं और एक्टिंग काफी अच्छी करते हैं, कॉमेडी इनकी काफी अच्छी होती है। पर ये तो मतलब मुझे अब ये नहीं पता चल रहा, मुझे तो लग रहा है ये भी कोई सीरीज ही है। क्योंकि कुछ बोल रहे थे ना उसके ऐसे आइडिया, तो ये सीरीज हो सकता है। हाँ, exactly, तो मुझे लग रहा है ये सीरीज है। तो
डिफरेंट स्टोरी है. अब ऐसे लग रहा है कि वो इराक में, ये अब उस टाइम की स्टोरी है जब यूएस आर्मी वहां गई भी थी और उनको शक है सभी लोगों पे. और वो डायलॉग भी अच्छा था जब वो दो बच्चे बेल रिंग करते हैं बर्थडे के लिए आने के लिए और वो कहता है कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये उस स्कूल में जाती है जिस स्कूल को तुम अभी सारा डिस्ट्रॉय करके आए. तो ऐसे लगता है सारे बॉम्ब बूम से वो उस पूरे को उड़ा के आए हुए हैं और लग रहा है उनको हर लोग, हर जगह हर लोगों से शक है, इसलिए इनके घर में भी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे. तो काफी मतलब स्टोरी डिफरेंट है और काफी मतलब उस टाइप से लग रहा है एक्शन उक्शन टाइप की, पर काफी मतलब ईगरनेस हो रही है कि पता करने की कि है क्या भैया, हो क्या होगा, क्या एंड में क्या होगा. मुझे एंड का ज्यादा हो रहा है कि क्या है, पर अच्छी लग रही है मैं कहूंगी. हाँ तो अच्छा है, काफी खतरनाक ये ट्रेलर था. पहले सब अच्छा चल रहा है, आपको डेफिनेटली लगता है कि इंडिया में है कोई. हाँ. और आराम से बैठे हैं, बच्चे का बर्थडे बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा. और दिखा रहे हैं थोड़ा कि बच्चे को लग रहा है कि लास्ट टाइम अच्छा नहीं बना था, नहीं मेरे ख्याल से बना ही नहीं था शायद. हाँ, तो इस बार अच्छा बने और बच्चा बहुत ही एंथुजियास्टिक है. बच्चे तब एंथुजियास्टिक होते हैं जब उनकी लाइफ में कोई इतना अच्छा हो नहीं रहा था, उनको लगता है कि यही अच्छा चीज होगी. देखिए अगर हर दिन अच्छा हो रहा हो तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बर्थडे का, ठीक है वैसे ही सब अच्छा चल रहा है. तो उस बच्चे को जो बर्थडे की इतनी उत्सुकता थी, इसका मतलब है कि कुछ बुरा चल रहा होगा. उसको था कि अब ये दिन तो एटलीस्ट अच्छा जाएगा. और फिर सडनली ट्यून मतलब चेंज करते हैं. डायरेक्टर ने बहुत अच्छा दिखाया है कि आपको फायरिंग नजर आती है. मुझे पहले लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कैसे कुछ हुआ है, पर फिर दिखाते हैं कि यूएस के सोल्जर्स आ रहे हैं. और तब मुझे अजीब लगता है कि यूएस के सोल्जर्स यहाँ कैसे आ गए, फिर पता लगता है कि इराक है. तो सब फिर स्टोरी इमीडिएटली पता चलता है कि इराक है, बिल्कुल स्टोरी चेंज हो जाती है. घर से होम टू होम जा रहे हैं चेक करने के लिए कि मिलिटेंट्स तो नहीं है, उनका शक सब पे है. और जो है वो बिलीव नहीं कर पाते रियली कुछ बर्थडे हो रहा है. फिर दिखाते हैं कोई गलत कैरेक्टर है उनमें से एक दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं कि कुछ जो सोल्जर्स हैं अच्छे हैं जिनको अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ सोल्जर्स बुरे हैं जो हर चीज तोड़ी जा रहे हैं. और जो वहां के इराकी बच्चे थे वो भी उनको बोलते हैं कि देखिए आपने इतना कुछ खराब कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया बर्थडे भी. फिर दिखा रहे हैं पेरेंट डिटरमिंड है कि नहीं अब कि मैं बना के रहूंगा बर्थडे, ये मेरी हक की बात है, मैं क्यों नहीं बनाऊं, जो मैंने कुछ करा नहीं, तुम्हें जो फाइंड करना है कर लो, फिर भी मैं सही हूं. तो काफी दिखाई इससे ये पता लगता है, देखिए बिगर मीनिंग है. अब आप देखिए कि इराक की जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो ऑब्वियसली इराक हारा था और दूसरी कंट्री ने सॉर्ट ऑफ टेक ओवर कर लिया था ढूंढने के लिए टेररिस्ट को कि उनको किसी तरीके से फाइंड किया जाए, ख़त्म किया जाए. तो अब देखिए ये इसीलिए थोड़ा अजीब लगता है, मतलब कि ये अच्छी चीज़ है सोचने के लिए कि कभी भी अगर कोई और कंट्री तुम पे कब्जा कर लेती तो ऐसा ही होगा. तो बड़ा दुख होता है ऐसे देखिए. आप सोचिए कभी सोच भी नहीं सकते थे इंडिया में कि कोई बाहर की फोर्स आएगी, राइट, हम सोच नहीं सकते. मगर यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर कंट्री जो है मान लीजिए हार जाती है तो ऐसा होगा. तो ये वही टाइम है इंडिपेंडेंस का, सोचिए जब आप देखते थे इंडिपेंडेंस की मूवीज, उसमें नजर आता था कि ब्रिटिश जो है घरों में आ रहे हैं, ब्रिटिश रूल कर रहे हैं. तो अजीब सा यहाँ की जनरेशन जो अभी पैदा हुई, हमारी जनरेशन भी है, हमें बहुत अजीब लगेगा कि ये क्या है, ये बाहर के लोग कैसे आए. थी एक्साइटिंग लग रहा है और काफी लग रहा है कि डेफिनेटली ये भी देखना पड़ेगा, ये डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, और इससे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इराक में क्या चल रहा है टेंशन का. नहीं मुझे तो इसमें पता है, इस पार्ट में जो जब देख रही थी मैं, उसमें बहुत वो जो कैच किया मैंने वो ये था कि जब उसने बताया कि मैं इंडियन हूं तो भी उनका शक हटा नहीं और ऐसे लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई और था, क्योंकि उन्होंने किसी को पकड़ के बोला ये कहां से आया, ये तुम्हारा घर का मेंबर नहीं है. ऐसे मुझे लगा जैसे किसी और को पकड़ के उन्होंने किया है, पर कोई और दिखा ही नहीं. एक डायलॉग आया तो था कि तुम कह रहे हो तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो ये कौन है, या मे बी हस्बैंड को बोल रहे थे क्या ये तुम्हारे घर का मेंबर है. अच्छा हो सकता है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था इस ट्रेलर में, तो मुझे लगा शायद कोई अंदर कोई टेररिस्ट या कोई छुप के बैठा हुआ, उन्हें पता ही नहीं कि उनके घर में कोई. हर एक बंदे पे शक था तो मैं भी पूछे थे क्या तुम्हारे घर का मेंबर है, क्या तुम्हारा रियली हस्बैंड है. ये भी हो सकता है, मेरे को मैंने ये इंटरप्रेट किया कि शायद कोई अंदर छुपा हुआ था, जब वो अंदर गए तो उन्हें दिखा, वो पूछ रहे हैं कि भैया ये क्या, पर उन्होंने दिखाया नहीं कौन है, कोई दूसरा दिखा ही नहीं,
बाकी बाकी जो सीन्स दिखाए उसमें वो दिखा ही नहीं, तो हो सकता है हस्बैंड का ही पूछ रहे हो, आई डोंट नो, पर काफी अच्छा लग रहा था। मतलब स्टोरी बड़ी हटके है, ये ऐसी कभी सुनी नहीं ना देखी है इस टाइप की। मतलब जब भी आप मूवी वूवी देखते हो तो कुछ सिमिलैरिटी आपने पहले कभी देखी होती है, ये थोड़ी अलग सी है, तो इंटरेस्टिंग लग रही है। और एक्टिंग कमाल की है, और ओ माय गॉड, जैसे अब वो ऐसे लग रहा है पूरी स्टोरी में जो यूएस आर्मी उनके घर में बैठ जाएगी, मुझे तो यही लग रहा है। और वो सीन बड़ा क्यूट था जिसमें वो बच्चा कहता है इनको मैं केक नहीं दूंगा वो बड़ा क्यूट था कि इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी सबको बर्थडे की पड़ी और बच्चे को बर्थडे केक की पड़ी हुई है। फादर को है कि मैंने बर्थडे मनाना है, और बच्चे को है कि मैं केक नहीं दूंगा क्योंकि ये गंदे हैं, इन्होंने मेरी चीजें तोड़ी हैं, मेरा बर्थडे स्पॉइल कर रहे हैं। तो वही बोलते हैं ना, इनोसेंस होती है चाइल्ड में, उनको पता नहीं कि एक्चुअली में कितना, मतलब जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कितना डेंजरस माहौल है, और उस टाइम भी उनको बर्थडे का है और इनोसेंस है उनमें कि केक नहीं देना क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। तो अच्छा लग रहा है जो ट्रेलर है, पर देखो अब ये Z5 है क्या, इस पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा, और अगर आपके पास Z5 है तो आप तो लकी हो, आप तो देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।